अंतरिक्ष एक ऐसा विषय है जो हर उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों को आकर्षित करता है। इसका रहस्यमय और अनंत विस्तार, चमकदार सितारे और अद्भुत आकाशीय पिंड हमें हमेशा अपनी ओर खींचते हैं। अंतरिक्ष हमेशा से ही मानव की जिज्ञासा और कल्पनाओं का केंद्र रहा है। जब लोग अंतरिक्ष मिशनों या अंतरिक्ष की गहराइयों की यात्रा के बारे में सुनते हैं, तो उनकी रुचि और भी बढ़ जाती है। हम अपनी इस विशाल और अद्भुत दुनिया को अंतरिक्ष कहते हैं। सरल शब्दों में अंतरिक्ष वह अनंत जगह है जिसका कोई अंत नहीं है। यह एक असीमित तीन आयामी विस्तार है जो हमारे ग्रह पृथ्वी के ऊपर और उसके चारों ओर फैला हुआ है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है और यहाँ सांस लेने के लिए पृथ्वी जैसा वातावरण नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण के अभाव में अंतरिक्ष में वस्तुएं हवा में तैरती हैं। यह स्थान पदार्थ से रहित होता है और यह ध्वनि भी यात्रा नहीं कर पाती। अंतरिक्ष से पृथ्वी एक नीली गेंद की तरह दिखाई देती है। पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर यात्रा की शुरुआत 1957 में की गई थी। पृथ्वी से बाहर फैला अनंत क्षेत्र ही अंतरिक्ष है जो लगातार विस्तार कर रहा है। इस विशाल और रहस्यमय क्षेत्र में पृथ्वी की तरह वायुमंडल मौजूद नहीं होता। अंतरिक्ष सितारों, चंद्रमाओं, क्षुद्र ग्रहों और अनगिनत आकाश गंगाओं से भरा हुआ है। मानव सभ्यता के इतिहास में अंतरिक्ष ने हमेशा एक गहरा आकर्षण पैदा किया है और इसकी कई कहानियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। अंतरिक्ष का अध्ययन खगोल विज्ञान के तहत किया जाता है जिसने हमारे ब्रह्मांड के बारे में समझ को घेरा किया है। खगोल विज्ञान ने दूरबीनों, उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष जांच की उपकरणों की सहायता से ब्लैक होल, एक्सप्लेनेट और सुपरनोवा जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को सामने लाया है। खगोल विज्ञान की प्रमुख उपलब्धियों में 1969 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग द्वारा चंद्रमा पर पहला कदम रखना और हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ब्रह्मांड की गहराई की ओर खोजें की गईं। इन उपलब्धियों ने अंतरिक्ष की हमारी समझ को काफी बढ़ाया है। हाल के वर्षों में मानव सभ्यता ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। 1969 में चंद्रमा पर मानव की पहली यात्रा के बाद कई सफल मिशनों ने अंतरिक्ष में हमारे ज्ञान को बढ़ाया है। अंतरिक्ष में भेजे गए कृत्रिम उपग्रह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे संचार, मौसम पूर्वानुमान और अन्य जानकारियों की प्राप्ति में। हालांकि अंतरिक्ष की खोज में कई चुनौतियां आती हैं, लेकिन इसके रहस्यों को जानना कई लोगों का जीवन का उद्देश्य बन चुका है। अंतरिक्ष एक अनंत और रहस्यमय दुनिया मानवता की कल्पना और खोजा का प्रमुख केंद्र रहा है। इसका निरंतर विस्तार और कम घनत्व, साथ ही पूर्ण निर्वात की उपस्थिति, इसमें चंद्रमा ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, तारे और आकाशगंगाएं विशाल मात्रा में पाई जाती हैं। जबकि मानव सभ्यताओं ने अंतरिक्ष के बारे में काफी जानकारी हासिल की है, फिर भी कई रहस्यों की खोज अभी भी जारी है। खगोल विज्ञान ने ब्रह्मांड की हमारी समझ को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है। वैज्ञानिकों ने सौरमंडल की उपस्थिति, सितारों का जन्म और अंत और आकाशगंगाओं की कार्यप्रणाली जैसी बातों की खोज की है। खगोल विज्ञान ने ब्रह्मांड की हमारी समझ को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है। वैज्ञानिकों ने सौरमंडल की उपस्थिति, सितारों का जन्म और अंत और आकाशगंगाओं की कार्यप्रणाली जैसी बातों की खोज की है। अंतरिक्ष की खोज की चुनौतियों ने टेक्नोलॉजी के विकास को प्रेरित किया है, जिससे उपग्रह संचार, GPS और मौसम पूर्वानुमान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र विकसित हुए हैं। इन खोजों ने हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए मानव सभ्यता के अस्तित्व और विकास के लिए अंतरिक्ष के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास को समझने के लिए प्राचीन सभ्यताओं की भूमिका पर ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेसोपोटामिया की सभ्यता ने ग्रहों की चाल, चंद्र, कैलेंडर और तारों की विस्तृत सूची तैयार की थी। इनके सिद्धांत ज्योतिष विद्या पर आधारित थे और वे खगोलीय घटनाओं को समझने में अग्रणी थे। मिश्र सभ्यता के लोग आकाश को एक देवीय क्षेत्र मानते थे और पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र मानते थे। यूनानी सभ्यता ने भी पृथ्वी को केंद्र मानकर एक भूकेंद्रित मॉडल विकसित किया था। भारतीय सभ्यता ने भी आकाश और उसकी गति को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारतीय वेदांग ज्योतिष में चंद्र और सूर्य के चक्र पर नजर रखने के नियम दिए। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने पृथ्वी की दूरी घूमने के सिद्धांत का उल्लेख किया था। भास्कर द्वितीय ने ग्रहों की स्थिति को समझाने के महत्वपूर्ण योगदान दिया था।